जो आत्मा 135 नंबर पेज पर, जो आत्मा ने आशावनो भेद ज्ञान छे ते अज्ञान छे के ज्ञान छे? जो अज्ञान छे तो आत्मा ने आशावना अभेद ज्ञान थी तेनी कहीं विशेषता बराबर चर्चा हो गई ना अपनी? आशाव भेद ज्ञान के अज्ञान बोले अज्ञान तो आश्रमों से भिन्नता नहीं हुई। अने जो ज्ञान छे तो ते आश्रमों में प्रवर्ते छे कि तेमना थी निवर्त्यू छे। ज्ञान हो तो प्रवर्तन करता है कि निवर्तन करता है? जो आश्रमों में प्रवर्ते छे तो अपन आत्मा ने आश्रमों ना अभेद ज्ञान थी तेनी काई विशेषता। आप खाना खा रहे हो, किसी ने जहर है और आपने खा लिया तो मतलब आपने या तो जहर को नहीं जाना या मरने को नहीं जाना या दोनों को जाना तो जीवन को नहीं जाना। सीधी बात है। किसी ने अगर बोला क्या कि भोजन में जहर है और तो भी आपने भोजन को खा लिया, उसको दूर नहीं फेंका, मतलब क्या हुआ? या आपने किसको नहीं जाना? जहर को नहीं जाना। बोले नहीं नहीं जानते हैं जहर को, जहर को जानते हैं, जहर मारने वाला होता है। अच्छा तो आपने मरण को नहीं जाना? बोले नहीं नहीं मरण को भी जानते हैं, जब जीव मर जाता है तो कोई काम का नहीं रहता। और दोनों जानते हो तो भी आपने जहर खा लिया, तो फिर तीसरे नंबर का प्रश्न आएगा, भाई तूने जीवन को और उसके महत्व को जाना? ऐसे ही आचार्यों ने कहा ये आश्रव दुखदायी है और तू भी तुम आश्रव करते जा रहे हो, तो यही प्रश्न आएगा, भाई तू आश्रवों को नहीं जानता क्या? बोले नहीं जानता हूँ, दुख असुचि है, विपरीत है, दुख के कारण है। फिर तू कर्म बंधन को नहीं जानता क्या? बोल जानता हूँ ना, क्योंकि कर्म बंधन के फलस्वरूप जीव चार गति योनियों में अटकता है। तू आश्रमों को जान रहा, कर्म बंधन को जान रहा और तो भी तू आश्रम किए जा रहा है, मतलब तुझे भगवान आत्मा का ज्ञान नहीं, उसका महात्म्य, उसकी प्रभुता, उसका जो जो कहें कि अलौकिक देदीप्यमान रूप है, तुझे उसकी गंध नहीं है। क्योंकि वो ही जीव जो मरने का इच्छुक हो वो ही जहर खा सकता है। ऐसे ही आत्मा को भूलने के लिए जो तैयार हो वो ही आश्रमों में प्रवर्तन कर सकता है। क्योंकि चैतन्य प्रभु की प्रभुता तो ऐसी है, जब तक वो स्मरण में रहेगी तब आत्मा आश्रमों के बारे में विचार ही नहीं करेगा, क्यों करेगा? बाहर 44-45 डिग्री टेम्परेचर पड़ रहा हो और कोई रात को तो आपको चलो 2 बजे आटा मारने चले, दिन में 2 बजे, रात को नहीं है, क्या बोले? विचारो, कोई आगे होश में तो भैया दिन में 2 बज रहे हैं बाहर कट, अरे नहीं नहीं क्या हुआ, हम तो कुदरती हवा लेंगे, कुदरती, अरे कुदरती छोड़ा भी, कुदरत प्रतिकूल, तो यहां शांति से बैठा तुझे प्रॉब्लम क्या है? हैं? कोई जाएगा बाहर? एसी की शीतलता को वेदन करने वाले को बाहर का ताप सहन नहीं होता, चैतन्य प्रभु की शीतलता को वेदन करने वाले को कषायों का ताप सहन। जैसे कोई अकारण 2 बजे अपने घर को छोड़ के आज बाहर निकलता नहीं है, गर्मी के ताप से झुलसने का भय लगता है, ऐसे ही ज्ञायक प्रभु जो भी ज्ञानी हैं वो आत्मा को छोड़कर रागादि में जाना चाहते नहीं, उन्हें कसायों से झुलसने का भय। लेकिन फिर भी जब तक नौकरी धंधे पानी की नंबड़ाई रहती है, दौड़ना पड़ता है, तब तक ना चाहते हुए भी हम लोग बाहर जाते हैं। ऐसे ही ज्ञानी भी कह रहे जब तक हमारे अंदर में नम्रता ही है तब तक रागादि में जाना पड़,
लेकिन जैसे हम बाहर जाते हैं तो उघाड़े शरीर नहीं जाते। अभी अगर बाहर निकलना भी पड़े इनकेस तो क्या करते हो भैया, हैं? माथा ढाक लोगे, चेहरा ढाक लोगे, चश्मा लगा लोगे, ग्लव्स पहन लोगे, फुल कपड़े पहनोगे, पानी की बोतल साथ रखोगे, रखोगे कि नहीं रखोगे? ऐसे ही ज्ञानी कभी अगर कमजोरी के कारण बाहर निकले तो आधारहीन, लक्ष्यहीन, सुरक्षाहीन प्रवृत्ति नहीं। ताप तो ताप होता है भाई साहब, सूरज का ताप हो चाहे कसायों का ताप। ज्ञानी कह रहे हैं हम सूरज के ताप को तो सहन कर सकते हैं क्योंकि वो तो हमारे शरीर को झुलसाएगा, कसायों का ताप हम सहन नहीं कर सकते क्योंकि उससे हमारी आत्मा झुलस जाती। इसीलिए जितनी सुरक्षा हम सूरज के ताप से बचने के लिए करते हैं उससे कई गुना सुरक्षा ज्ञानी कसायों के ताप से बचने के लिए करते हैं। संसार में प्रवर्तन करना मतलब बहुत सावधानी की जरूरत है। ये ऑरेंज अलर्ट नहीं है, ये रेड अलर्ट है। हीट वेव का आता है ना ऑरेंज अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट ही बोलते हैं, जगह जगह लग जाएगा ऑरेंज अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट, हीट वेव, बाहर ना निकलें, पानी पिए, दही पिए, ये पिए, वो पिए, फलाना फलाना। यानी को तो संसार में कसायों का रेड अलर्ट लग रहा है और वो एक औषधि अपने पास में रखता है, ज्ञान की, ज्ञान की, ज्ञान की। इसीलिए बाहर निकले नहीं, निकले तो बचे रहे, समझे? ध्यान रखना है ना अपने आप को। मैंने जो क्रम से बताई ना पूरी चीज़ें एक एक लाइन में, पहले तो घर में रहो, फिर भी अगर कमजोरी के कारण जाना पड़े तो सुरक्षित होकर जाओ और आके भी सुरक्षित रहो। ऐसा नहीं गए फिर ठंडा पियो, ऐसे ही अपने आप को जिनवाणी से क्या रखो, शीतल, ऐसे बहुत सब समझ लेना। तो ये कहते हैं कि जो आश्रवोमा प्रवर्ते तो अपन आत्मा ने आश्रवोना अभेद ज्ञान थी तेनी कई विशेषता ना थी। अने जो आश्रवों थी निवर्त्यु छे, बराबर मिला ना सबको? अगर आश्रवों से दूर हुआ तो ज्ञान थी ज बंधनो निरोध सिद्ध थयो, किम न कहवाए? यानी ज्ञान से बंध का निरोध होता है, ये सिद्ध हो गया, बराबर। तो जिसकी अपन ने प्रतिज्ञा की थी कि हम बताएंगे कि कर्म का निरोध कैसे होता है, वो यहाँ से निकलती है बात। देखो अब क्या कहते हैं, आम सिद्ध थवा थी अज्ञानो अंश एवा क्रिया क्रिया नैनु खंडन थयु। क्या बोला? अज्ञान का अंश, कौन सा अंश? अज्ञान का अंश। देखो ये हैं क्या कहते हैं, श्वेतांबर बड़े आचार्य हुए, महाप्रज्ञा आचार्य, उन्होंने बहुत पुस्तक लिखी और लगभग पूरा श्वेतांबर मान्यता। बार बार एक बात मैंने उनकी पुस्तक पढ़ी, बार बार एक बात कहें कि जैन धर्म क्रियावादी धर्म है, जैन धर्म क्रियावादी धर्म ऐसा प्रस्तुत कर। मेरी तो एक बार चर्चा भी हुई श्वेतांबर साहब, नहीं भैया आपके यहाँ पे भी गाथा मिलती है, हमारे यहाँ पे भी गाथा मिलती है, 363 मत वाली, अस्ति सतम क्रियाणम अक्रियाणम च होती तुलसीदम सतठ अन्नठम बेड़िया होती बत्तीसम, ये गाथा दोनों जगह मिलती है, पता है आपको? नहीं पता, दोनों जगह। असति सतम क्रियाणम 180 क्रियावादियों के मत हैं, 363 मिथ्या मत कहते हैं ना, हाँ मारिची ने चलाया अपने यहाँ बोलते, वहाँ पे बोलते, 363 मिथ्या मत हैं, तो उनमें असति सतम 180 किसके मत हैं? क्रियावादियों के। असति सतम अक्रियाणम चाहोती चुल सीतम, कि अक्रियावादियों के होते हैं 84,
67 के किसके हैं आगे, इसके क्या कहते हैं 67 अज्ञानीवादियों के, और बेणई ऐणा होती 32 बेनयकों के 32, ऐसे करके 363 मत होते। ये गाथा दोनों में कॉमन मिलती है। तो मैंने एक सिंपल प्रश्न किया कि आप कहते हो कि जैन धर्म क्रियावादी धर्म है, क्रियावादी धर्म है, अगर क्रियावादी है तो क्रियावाद को मिथ्या मतों में क्यों रखा? क्रियावाद समझ गए ना क्या होता है? क्रियावाद मतलब कर करके मोक्ष होना, ये मान्यता पूरा स्वतंत्र परंपरा इस पर टिकी हुई है। उपदान करो मोक्ष हो जाएगा, 99 करो मोक्ष हो जाएगा, छठ करके सात यात्रा करो मोक्ष हो जाएगा, कल्प सूत्र सुनने की क्रिया करो मोक्ष हो जाएगा, सब में अपने अपने अलग अलग ऑफर है। कल्प सूत्र 21 साल सुनोगे तो मोक्ष होगा, 99 तीन भाव में कर देगी, छह करके सात यात्रा करो तो दो भाव में हो जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। यहाँ तक अंधता है कि कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि पालीताना और गिरनार जैसे जो क्षेत्र हैं इनका परिक्रमा करने वाले पक्षी भी 2-3 भाव में मोक्ष चले, फिर सारे पृथ्वी का एक तो मोक्ष जाएंगे ही जाएंगे। जब परिक्रमा करने वाले मोक्ष जा रहे पक्षी, तो जो पृथ्वी का एक शरीर तीर्थ रूप परिणमित हुआ वो तो जाएगा ही जाएगा। और जब ऐसा है तो ऐसा क्यों कहा गया उनके यहाँ पर भी, अनंतो बाढ़ दीक्षा धारण करी होगा और पाटा जितना वो कर ले तो भी सुमेरु के जितना हो जाता, ये बात क्यों कहते थे? और गजब है, जब भी वो 99 का बहुमान करवाना हो ना तो ऐसी ऐसी बातें समाज में, और लोगों को लगता है अच्छा है हमने मोक्ष का टिकट कटा लिया, भले ही महीने भर परेशान हुए, अब जिंदगी भर कुछ भी करो टेंशन नहीं, क्यों मोक्ष तो होने वाला, उपदान कर लिया अब जिंदगी भर कुछ भी करो, छठ करके सात यात्रा कर ली जिंदगी भर कुछ भी करो, अपने आप भी ऐसी बातें चालू हो गई, सिकट जी की ऐसी महिमा है ना फलाने, अरे भाई सुनो सुनो सुनो, कोई भी क्रिया मोक्ष में नहीं ले जा सकती। क्रिया से मोक्ष मानना ज्ञान नहीं अज्ञान है, क्रियावाद नाम का अज्ञान है, लिखा है यहाँ पे उर्दू को मूल में भी लिखा है, इति निरस्तो अज्ञान अंशः क्रिया नया। अब सुध क्या क्रिया नया हो गया जो अज्ञान का अंश है। जैन धर्म क्रियावादी नहीं है भाई साहब, जैन धर्म अक्रियावादी भी नहीं है, जैन धर्म अज्ञानवादी भी नहीं है, जैन धर्म विनयवादी भी नहीं है, क्योंकि ये सब मिथ्या मतों के रूप है। तो जैन धर्म कैसा है? अनेकांतमयी जैन धर्म है, जहाँ भूमिका अनुसार क्रिया की भी बात की जाती है, भूमिका अनुसार विनय की भी बात की जाती है, भूमिका अनुसार ये नहीं करना चाहिए ऐसी अक्रिया की भी बात की जाती है, सब प्रकार का उपदेश है, लेकिन मोक्ष मोक्ष तो बोला प्रभु एक होय तृण काल मा परमा रत्नो पन। हे जीव जारे तू बद्दा विकल्पो छोड़ी ने अंतर मूल सुधी आत्मा ने आत्मस्वरूपे जान से मान से लीन थसे एज क्षण मोक्ष थवानो छे। कहीं करवाती मोक्ष थाय, कहीं ना करवाती मोक्ष थाय, कहीं जानवा मात्र थी मोक्ष थाय बार नो, कहीं ना जानवाती थाय, कोई नी विनय करवाती थाय, कोई नी अभिनय करवाती थाय, ओ हो हो आ बधु मिथ्या प्ररूपणा छे। आ ख्याल में आवे छे कि निरस्तो यहाँ कह रहे ये जो अज्ञान का अंश है क्रिया न है वो निरस्त, सारा जगत बस करे कुछ करे तुरंत लगता है भला होगा, कुछ करे तुरंत करे भला होगा। अरे जीव को बैठे बैठे गायिक स्वभाव की महिमा आती है और उसको जानकर पापों से निवृत्त होता है,
आत्मा में प्रवृत्त होता है तो मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता है। कली काल का प्रभाव देखो, सच बता रहा हूं, जो क्रियाएं जितनी सत्व शून्य हैं अज्ञानी को उतनी महिमाशाली लग रही है। क्या कहें, समझ नहीं आता। जिन जिन क्रियाओं को जिनकी कोई कीमत नहीं है, जिनको करोड़ों वर्षों तक करते रहो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ऐसी क्रियाएं लोगों को महत्वपूर्ण लग रही। जुलूस निकालो, बराबर, देश हित समाज दुनियादारी दया, ये जो जो स्थूल में स्थूल क्रियाएं हैं वो क्रिया जीवों को महत्वपूर्ण लग रही, और जो महत्वपूर्ण क्रिया है ज्ञानमयी आत्मा में आराधना वो नकामी लग रही। क्या कर? ये लगभग वैसे ही है अंकित भाई, जैसा अपन कभी आप देखो ना, बच्चों को लेकर रिसेप्शन में जाओ तो बाहर कुछ चीज़ें होती हैं जिनमें गुड़िया के बाल, कॉटन कैंडी हुआ, बर्फ का गोला, बराबर, और कैंडी वैंडी, आइसक्रीम, अपन जानते हैं इनमें सत्व नहीं है, और माल पानी तो अंदर, दूध पाक खाओ, बासुंदी खाओ, इसमें मेवे मिष्ठान है, सत्व वाली है। लेकिन बस वही बात है, ये खिलाना पड़ता है और वो छुड़ाना पड़ता है। विचार करके देखो, अब 5 रुपए का पैकेट, मैं खुद इस परिस्थिति से गुजरता हूँ, रोज ही संघर्ष है। विचार करके देखो कि 5 रुपए का पैकेट उसमें क्या होगा, कितना खराब तेल, कितना वो क्या से क्या, कुछ भी नहीं समझ में आता उसमें किसी भी हिसाब से। और अपन घर में स्वादिष्ट में सत्व वाली वस्तुओं बनाते हैं, लेकिन वो खिलाना पड़ती, और ये जो कचरा पट्टी है, पहले तो गुस्सा आता था, अब लगता है इस कली काल के लोगों का स्वभाव ही ऐसा। अरे नहीं, बच्चों की बात में हम क्यों लेकर आ गए, बच्चों की बात तो खत्म हो गई, अब बड़ों की चल रही। जैसे बालक सत्व वाली वस्तु को छोड़कर सत्वहीन वस्तुओं के प्रति ज्यादा लालायित होता है, अज्ञानी ऐसे ही परम सत्ववान आत्मा को छोड़कर ये विषय कसायों के प्रति लाल तपता था। आत्मा की अनुभूति धर्म का परम सत्व है, ज्ञान स्वभावी आत्मा में जमना रमना एक धर्म का परम सत्व है। ओहो, अज्ञानी को ये धर्म नहीं दिखता, बाहर में थोड़ी जैना पल जाए धर्म हो गया, एक आध नियम ले लें धर्म हो गया, एक आध यात्रा कर लें धर्म हो गया, एक आध पूजन विधान हो गई धर्म हो गया, धर्म हो गया। ओहो, कॉटन कैंडी से पेट नहीं भरता, जीव लाल होती है केवल, बस आई ना कॉटन कैंडी। ऐसे ही बाहर की क्रिया का जो सत्व है बाहर रह जाता है, अंदर कुछ पहुंचता नहीं। अब अगर आप कली काल के प्रभाव से थोड़े बहुत बच गए होगे तो आपको ये धर्म लगने लगेगा, और अगर कली काल माथे पर नाच रहा होगा तो ये लगेगा इसमें क्या है। इतने सब लोग दर्शन करने आते हैं ना, कई सोचते होंगे क्या बैठे बैठे बोलते रहते हैं, क्या सुनते रहते हैं, कुछ समझ नहीं आता, आत्मा आत्मा आत्मा, कुछ ऐसा बोलो, कुछ वैसा बोलो, पाप छोड़ो, धर्म करो, पूजा करो, पाठ करो, ऐसा कुछ बोलो। ओ हो भाई, जे आत्मा करी शकतो नथी एनो उपदेश आखो जगत आपे छे, अने जे करवानो आपनो स्वभाव छे, अने जे स्वभाव ना बलती है विभाव नो अभाव थाय, ए वात अहींया करवानी छे। बहुत सुंदर शब्द बोला, क्या इति, ए अज्ञान का अंश, कौन सा अंश बोला, अज्ञान का अंश, एवं क्रिया ने नो खंडन, क्रिया ने, क्रिया गलत नथी, समझो, क्रियानो कथन करवो पण गलत नथी, पण क्रियानो कथन सापेक्ष छे, व्यवहार छे,
એમ સમજો તો ક્રિયામાં વાંધો નથી, પણ ક્રિયાનો કથન સાચો છે અને મોક્ષ માર્ગ એવો જ છે આ માને તો અજ્ઞાન થયો. જો હવે પછી આટલી વાત થઈ ને, પછી સાંભળો, આટલો મત પૂરો નથી થયો. વળી જે આત્મા અને આશ્રવોનું ભેદ જ્ઞાન છે તે પણ જો આશ્રવોથી નિવૃત્ત ના હોય તો તે જ્ઞાન જ નથી. જો ચોખ્ખા શબ્દોમાં કહી દીધું, બોલે એ અચ્છા બોલા, વૈસે ભી ક્રિયા કરનામે અચ્છા નહીં લગતા તા, અચ્છા નહીં લગતા, સ્વભાવ સે જીભ પ્રમાદી હો ગયા અનાદિકાલીન કે અભ્યાસ કે કારણ. જૈસે જો ચીજ હે ના વિપરીત અભ્યાસ અપને કો હો જાય બરાબર, તો સ્વાભાવિક સામર્થ્ય ભી બિગડ જાતી. જૈસે કોઈ ખેલાડી હોતે બરાબર, જબ ખેલતે હૈ તો 40 ડિગ્રી મેં ભી ખેલ જાતે, અબ વો લગાતાર એસી 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 કે હેબિચ્યુઅલ હો જાય ના, તો 2 મિનિટ બહાર નિકલે ના તો ઉનકો પસેવા આ જાય. જો 40 ડિગ્રી મેં ભી ખેલ સકતા થા, વો ભી અગર 4-6 મહિને સાલ ભર 2 સાલ અગર લગાતાર ઉસમેં રહે અનુકૂળતા મેં, તો ઉસકી શક્તિ ચલી જાતી હૈ, 2 મિનિટ બહાર નહીં નિકલ પાતા. આ શક્તિ તો થી ઓર વ્યક્તિ ભી થી, લેકિન ફિર ક્યા હુઆ, પ્રમાદ કે અભ્યાસ સે પ્રમાદ સુલભ લગને લગતા હૈ. મેં તો અભી જબ યે આઈપીએલ ચલતા હૈ ના, તબ યે સબ ધ્યાન રખતા હું, યે સબ ભૂરીઓ કા વિચાર કરતા હું. દેખો પૈસે કી મૂર્છા, અપન ઘર સે બહાર નહીં નિકલ રહે, જબકી અપન જન્મજાત સબ ટ્રોપિકલ ઝોન મેં હુએ, 10 મહિને ગરમી વાલે એરિયે મેં અપન હુએ બરાબર. ઓર યે ધન કે લોભ કે કારણ બતાવો, જો માઇનસ મેં રહેને વાલે હૈ ઇંગ્લેન્ડ વગેરા કે લોગ, વો આગે ક્યા કરતે હૈ સાહબ, માઇનસ મેં રહેને વાલે અપન જન્મજાત, અપને આ 10 હો તો કહેતે બહુ બહુ 15 સર્દી શિયાળો શરૂ થઈ ગયો, ત્યાં 15 થાય તો કે હવે ઉનાળો છે, 15માં ત્યાં શું હોય ઉનાળો. અને એ અહીંયા ધન માટે 40 ડિગ્રીમાં બર્બ પડે રમે, તમે નીકળતા નથી, એ શું કરે, ધન્ય છે મો, એ જીવોને પુરુષાર્થ લાગે. અને મુનિરાજોની વાત કરે તો ઓહો, અરે ભાઈ જ્યારે તમે વિચાર કરો, પોસિબલ નથી પંચમ કાલમાં મુનિ પરનું, પોસિબલ નથી આવું કોણ કરે. અરે ભલે માણસ ધન કે લોભ કે કારણ એ શીત પ્રદેશ વાલે 40 ડિગ્રી મેં ખેલ સકતે, તો આત્મા કી મહિમા કે કારણ ગ્રીષ્મ ઋતુ શિખર કે ઉપર નહીં જઈ સકતે કે મુનિરાજ. પણ મુદ્દા ઇતના હૈ કે જૈસી ઉનકો ધન કી મહિમા આવે આઈ હૈ, એસી તુમે ચેતન કી મહિમા તો આય, ચેતન કી મહિમા આયેગી તો સબ હો જાયેગા, સીધા સિદ્ધ હોતા હૈ. જબ શીત પ્રદેશ વાલે, મતલબ વિચાર કરો મેં ક્યા કહે રહા હું, 20 ડિગ્રી વહાં ગરમી હોતી હૈ, અપને આ 15 ડિગ્રી સે ક્યા હોતા હૈ સર્દી ગિનને લગતે હૈ, શિયાળાનો ચમકારો શિયાળાનો ચમકારો, ત્યાં એ શું થાય ઉનાળાનો પ્રકાશ. હા હું લોકો 40 ડિગ્રી મેં ખેલ રહે હૈ, સબ દિખ રહા હૈ અપને. ધન કી કેસી મહિમા એસી ચેતન કી મહિમા આવે સબ, અપને કો ભી એ બાત સમજની ચાહીએ. તો અગર અગર આપને વેદ જ્ઞાન કિયા ઓર વેદ જ્ઞાન કરને કે બાવજૂદ અગર આશ્રમો સે દૂર નહીં હુએ તો કહેતે તો પણ આ તો એ જ્ઞાન જ નથી, એ જ્ઞાન હે નહીં. અને એમ સિદ્ધ થવાથી જ્ઞાનનો અંશ એવો એકાંત જ્ઞાન નયનું પણ ખંડ, જો જ્ઞાનનો ખંડન નથી થતો પણ જ્ઞાન નયનો જે એકાંત છે ને ત્યાં અજ્ઞાનનો જ ખંડન છે, ખબર પડી. હા જ્ઞાન આપણે કહે છે જ્ઞાન માર્ગ, જ્ઞાન માર્ગ બરાબર, 100-100 જ્ઞાન, જ્ઞાન માર્ગ મતલબ ક્યાં લેના, 2 એકમ 2, 2 દૂની 4, 2 તીયા 6, 2 ચોકે 8 એસા. જ્ઞાન માર્ગ મતલબ ગાય ભાવમાં વિરાજમાન હોના, વો જ્ઞાન માર્ગ હૈ. ગોકર્ણ પટ્ટી કી જેમ જેસે પહાડે યાદ કીએ જે જે સબ યાદ કી ટેબલ્સ યાદ કી એસે બોલતે જાઓ, વો જ્ઞાન નહીં હૈ, વો તો અજ્ઞાન.
ज्ञान किसे कहा? कषायों से निवृत्त कराए उस, समझ में आया? शक्कर किसे कही? मुंह में मिठास घोल दे उसे। यानी ज्ञान किसे कहा? कसायों से दूर करे उसे। और जो लोग कहते नहीं, हम तो ज्ञान मार्गी हैं, ज्ञान मार्गी हैं, खाने को ले आओ, पीने को ले आओ, बस आराम से सब अनुकूलता कर दो और अनुकूलता कर दो, उसके बाद में बोले तुम ज्ञान मार्गी बात ही नहीं है, ये ज्ञान है ही नहीं। जो कसायों को पोषित करे वो ज्ञान, ज्ञान है ही नहीं भाई साहब, वो ज्ञान है ही नहीं। हाँ, जो ज्ञान ज्ञान वही हो जो जो आपको कसायों से दूर कर दे, तब तक आपको वो अज्ञान का ही पक्ष है, ज्ञान का नहीं। देखो भाई, बहुत करुणापूर्वक ये बात बोल रहा हूँ, ज्ञान स्वभावी महिमा, गायक की जब महिमा आती है तो गायक के लिए पूरा जीवन बदल देते हैं। गायक के लिए क्या हो जाएगा? पूरा जीवन। अभी कुछ दो तीन साल पहले की बात है, एक वो थुवन जी के कौन से बाबा जी उनको बोलते थे, हाँ वो वहीं रहते, थुवन जी एक क्षेत्र है, उसके पास एक नदी, एक कुटिया, डॉक्टर थे वो, और 20 साल तक वहीं रहते थे, कुछ नहीं करते थे, बस अपना जो भोजन हुआ भोजन किया और वहीं बैठ के स्वाध्याय करते, आत्मा का आराधना करते, कसायों से बस ऐसा जीवन उन्होंने कोई प्रकाश में नहीं है, 20 साल ऐसे कैसे निकाले, गृहस्थ थे, ऐसा नहीं था कि मुनि हो गए। ज्ञान की धुन का मतलब ये है कि संयोग धूल लगने लगे, ज्ञान में पोथी पढ़ पढ़ के बहुत पढ़ लिया लेकिन धन धूल नहीं लगा, भोग जहर की भांति नहीं लगे, आत्मा की महिमा नहीं आई, वो ज्ञान ज्ञान कुछ नहीं है, ज्ञान धूल है। औषधि हो और व्यक्ति बीमार पड़ा रहे, धन हो और व्यक्ति भीख मांगे, मैं गुरुओं के गुरु ब्रह्मा जी उसके पास में हो और अनपढ़ रहे, अभण रहे, शोभता है ऐसे ही। ज्ञान जिसके पास हो और वो दुखी रहे, ज्ञान जिसके पास हो और कसायों में अटके, ए तो ज्ञान है ही नहीं। इसलिए अज्ञान क्रिया ने को तो बोला अज्ञान का अंश, और यहां क्या बोला कि ज्ञान नो अंश एवं एकांत ज्ञान नैनो, एकांत ज्ञान एनो पण शू थई गयो खंड देगा। ये वस्तु ने श्रीमद आज समाधि दिवस है ना, एक लाइन में केवी सरस की दी, के क्रिया जन। हाँ हाँ आई ना दोनों बात, कोई क्रिया जड़ जड़ता पूर्वक किया किए जा रहा है, खबर ही नहीं क्यों कर रहे हैं, पूजा किए जा रहे हैं, स्वाध्याय किए जा रहे हैं, व्रत उपास किए जा रहे हैं, सारू था सारू था सारू, पर सू सारू हो खबर ज नहीं भाई। अरे शुष्क ज्ञान को किसी का पूरी ज्ञान की खुराक बोलने में हो जाती, बस यहां सुना यहां निकाला, शुष्क ज्ञान। आत्मा उनका द्रवित नहीं होता, बीना नहीं होता, ऐसी कैसी कठोरता प्रभु, आत्मा की सुरस सरस बातें सुनो और अंदर में भावना संचार ना हो, विषय विकार, और अगर थोड़ा बहुत अगर क्रिया पे आता है तो अंदर में तो भीगता नहीं है, बाहर में छोड़ा छोड़ी वाले धर्म पैदा था, तुरंत ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया तुरंत, क्योंकि जगत में इससे मान मिल जाता है। भाई समझ, जेनो ग्रहण करयो छे त्याग पण एनो ज थसे, निश्चय थी आत्मा कोई पण पर पदार्थ ने ग्रहण करतो नथी, माटे निश्चय थी कहीं पण छोड़ी शकतो नथी, व्यवहार थी आत्मा रागादी भावोनो करता कहवाय छे, एटले व्यवहार नो त्याग पण पर वस्तु नो त्याग नथी,
વ્યવહાર નો ત્યાગ પણ રાગાદી ભાવો નો ત્યાગ છે, અને રાગાદી ભાવો નો ત્યાગ બીજું કઈ નથી, આત્મા મેં જમવું એનો જ નામ રાગાદી નો ત્યાગ છે. તતો જીણ્યતિમ પુણદી જીવ, આત્માને આવું જાણી લે કે ભાઈ એનાથી ભિન્ન છે, અશુચિ છે, અશુચિ તે ભિન્ન પરમ શુચિ છે, દુઃખના કારણ વિપરીત સ્વભાવી એટલે જળ સ્વભાવી નથી, ચેતન સ્વભાવી છે, દુઃખનું કારણ નથી સુખનું કારણ છે એમ માનીને આત્મામાં જમ્યો એને શું કહેવાય? પરથી નિવર્તન. બરાબર ખ્યાલમાં આવે છે? એ ત્યાગ છે, બાકી શું છે? હવે એમ કહે છે બાવાળ, જો બહુ સરસ છે, આશવો અશુચિ છે, જળ છે, દુઃખના કારણ છે, ખબર પડી ભાઈ? આશ્રવો કેવા છે? અશુચિ એટલે અપવિત્ર છે, જળ છે, બરાબર, અને દુઃખના કારણ છે, અને એની સામે આત્મા કેવો છે? પવિત્ર છે. આ પવિત્ર છે. આપણે જો પવિત્રતાનો અભિપ્રાય તો છે ને, ભલે જીવન પવિત્ર ના હોય પણ વસ્તુઓ તો આપણે કેવી જઈએ જોઈએ? ભેળસેળ વગરની જોઈએ હે. એટલે જો એ જીવન પવિત્ર નથી બનાવતો, લેકિન તો પણ એને પવિત્રતાનો માન તો છે. ખાવાની વસ્તુ કેવી જોઈએ? પવિત્ર તો ના કહી પણ ભેળસેળ વગરની. કપડાં કેવા જોઈએ? 100% કોટન છે ને આપણે. ઓહો ભાઈ, તને તને ભેળસેલ ગમતી નથી ને, તો આત્મા ભેળસેલ વગરનો છે એમ. હા, પછી સુખ સ્વરૂપ જ્ઞાતા છે. પહેલા આશ્રવ જળ છે અને આત્મા ચેતન જ્ઞાતા છે. એ આશ્રવો દુઃખ સ્વરૂપ છે અને આત્મા સુખ સ્વરૂપ છે. એ રીતે લક્ષણ ભેદથી બંનેને ભિન્ન જાણીને આશ્રવોથી આત્મા નિવૃત્ત થાય છે અને તેને કર્મનો બંધ થતો નથી. હા 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 હા, ક્લિયર થાય છે? જેમ દેખાય એવું પ્રવર્તન કરે છે. લક્ષણ સે ભિન્ન જાનેગા, લક્ષણ સે ભિન્ન જાનેગા તો એ વાત બની. જૈસે થોડે દિન પહેલે મુજે ટીવી ટેલિવિઝન લેની થી ઘર મેં, તો આપ કિસી દુકાન પે જાઓ ના, લોગ ક્યા સ્ટાઇલ હોતી હૈ. પહેલે 30,000 વાલી ટીવી દિખાયેંગે, ફિર 40,000 વાલી દિખાયેંગે, ફિર 60,000 વાલી દિખાયેંગે, ફિર કહેંગે અબ દેખો ઇનકી પિક્ચર ક્વાલિટી. દિખાતે કે નહીં દિખાતે? ક્રોમો બ્રોમો મેં કહીં પે ભી જાઓ ના, એસે બતાતે ના શકો. એસે આપ અગર 60,000 કે બિના ઉસકો દેખોગે તો આપકો કોઈ અંતર સમજ મેં નહીં આયેગા. લેકિન શ્રેષ્ઠ દિખાઓગે તબ યે હીન હૈ યે સમજ મેં હોતા કે નહીં હોતા? નહીં તો ઉસકે બિના અપની બુદ્ધિ એસી યહી કહે રહે. લક્ષણ ભેદ દેખો, યે લક્ષણ ઇસકા. અબ દિક્કત યે હૈ કે જો જડ કો જાનને કી જો રીતિ હૈ લક્ષણ ભેદ સે, વોહી આત્મા કો જાનને કી રીતિ. लेकिन जड़ के लक्षण तुरंत पकड़ में आ जाते और आत्मा के लक्षण पकड़ नहीं पाते, इसीलिए लक्षण बता रहे. क्या बता रहे? लक्षण बता रहे कि देखो जड़ का ये लक्षण, चेतन इससे विलक्षण. जड़ अपवित्र, जड़ और दुख का कारण, और भगवान आत्मा परम पवित्र, ज्ञायक और सुख का कारण. ऐसे लक्षण भी आ બંને ને ભિન્ન જાણીને આત્મા આશ્રમોથી નિવૃત્ત થાય છે અને કર્મથી બંધ થતો. આ ભાવાર્થ હે ને? હા, હવે જો, હવે હવે જે મૂળ લાઈન કે છાવડાજી, આત્મા અને આશ્રમોનો ભેદ જાણ્યા છતાં જો આત્મા આશ્રમોથી નિવૃત્ત ના થાય તો તે શું લખ્યું છે? જ્ઞાન જ નથી. પછી આગળ શું છે? હા, જેને જેને પણ મને બહુ આવડે છે
હું તો આખી જિંદગી ગુરુદેવને સાંભળતો આવ્યો છું, હું તો જન્મથી જ આ પરંપરામાં છું, આવો કરી કરીને જે પોતે પોતાની પીઠ થપથપાતો હોય એના માટે એકમાત્ર પ્રશ્ન છે, કયો ભાઈ? જાણીને આશ્રવાદીથી દૂર કેટલા અંશે થયા? બોલો, શું કરવું છે? અંદરમાં ઔષધ કેટલી ગઈ અને એ ઔષધ ઇફેક્ટ કેટલી બતાવે છે? ઓહો, મને તો ખરેખર બહુ આશ્ચર્ય આવે. જિંદગીભર કા જ્ઞાન અગર આપકી એક વિષય કો નહીં છોડા પાયા તો ક્યા ઉસે જ્ઞાન કી કિંમત? મતલબ કરોડો કી સંપત્તિ હોને પર ભી આપ ક્યા કહેતે હો, દો જૂન કી રોટી કે લિયે તરસ ગયે તો ક્યા કામ કી હો કિંમત? હે બોલો, દુનિયા ભર મે પહેચાન હો આપકી લેકિન કોઈ કામ નહીં યાર, એસા ઇતના જ્ઞાન ઇતના જ્ઞાન ઇતના જ્ઞાન, લેકિન ઓહો રાત કો ભૂખ લગી ઓ ખાને દોડ ગયે, વો જ્ઞાન આપકો ખાને સે નહીં બચા પાયા. જે ધન કી પાત્રતા ગવા દી એ જ્ઞાન કિસ કામ કા? યા યે કહેના ચાહ રહે, કોઈ એક વ્યક્તિ ને કસાઈ કી એક વાત બોલી ઓર આપ ઉગ્ર હો ગયે, વો આપકો કસાઈ સે નહીં બચા પાયા, વો જ્ઞાન એક વિષય આપકે સામને સે ગયા અથવા વિષય ઈ ગયા, ભોગ ગયા યા ભોગ ઈ ગયા, આપ દેખા અનુરક્ત ગઈ, એ જીવન જી રહ્યા, એ જીવન જી રહ્યા, અપન તો કુછ કરી નહીં રહ્યા, અપન તો કુછ કરી નહીં રહ્યા, એવું જ્ઞાન ન ગમા. સમજે? કોણ સા જ્ઞાન કામ કા? वो ज्ञान ही वो है, बाकी तो अज्ञान है. यहाँ कह रहे स्पष्ट, जितने अंशों जितने पेज पढ़े उतने ज्ञानी नहीं, जितने ग्रंथ सुने उतने ज्ञानी नहीं, जितने प्रवचन सुने उतने ज्ञानी नहीं. ओ जितने अंशों में, बोलो आगे की लाइन, आश्रवादी से विरक्त हुए आत्मा में अनुरक्त हुए उतने अंशों में, બાકી તો જ્ઞાન કે નામ પર જ્ઞાન નય કા એકાંત હોતા હૈ. જૈસે ક્રિયા કે નામ પર ક્રિયા કા અજ્ઞાન હોતા હૈ, વૈસે હી જ્ઞાન કે નામ પર ક્યા હોતા હૈ? જ્ઞાન કા એકાંત હોતા હૈ. કોરે જ્ઞાન કો, ઉથલે જ્ઞાન કો, ચૌપસમિક જ્ઞાન કો, શાબ્દિક જ્ઞાન કો જ્ઞાન સમજ લિયા. ભરપૂર ભૂલે પડી હુઈ હમારે અંદર મેં, પરમ ઔષધિ હમારે અંદર મેં. હે જી, પરમ ઔષધિ હોને પર ભી, જૈસે મેં કહું ના, આજ ગરમી બહુ યાદ આ રહી મુજે, પતા નહીં ક્યું લગ નહીં રહી લેકિન યાદ આ રહી. હા, જૈસે કોઈ કિસી કે પાસ એસી કાર હો ઓર દોપહેર કો પેદલ ચલ ચલ કર જાય, સારા જગત ઉસે કેવો કેવો માણસ છે, કોઈ માણસ કહેવાય? આટલો આટલો ભર ઉનાળે તડકામાં હેન્ડ તો હેન્ડ તો હાલે છે. હે, એને એને ખબર પડે છે આટલા તડકામાં આમ થાય તેમ થાય, એ ઘરે છે કારમાં આવે ને? ઓહો, જ્ઞાની કહે રહે કે મેરે અંદર મેં ગયા એક સ્વભાવ હૈ ઓર મેં કસાયો કે તાપ મેં રહું? નહીં નહીં નહીં, મેં મેરે જ્ઞાયક કો ગાયક કો મેં નિંદિત નહીં હોને દૂંગા, મેં ગાયક કા અપમાન નહીં હોને દૂંગા, મેં અપની પ્રભુતા સે અપને વિકારો કો દૂર કરકે હી રહુંગા. હે જગત, તુજે જિતના પ્રલોભન દેના હૈ દે દે, હે વિષય તુજે જિતના લલચાના હો વો લલચા લે, હે શત્રુઓ હે મેરે અહિત ચિંતકો તુમકો જો કુછ કહેના હો તો કહે દો, હે મેરે પ્રિયજનો તુમ્હે જિતના અનુરાગ કરના હૈ સો કર લો, લેકિન મે અપને સ્વભાવ કો છોડુંગા. આહા, તુમ્હારે અનુસાર ના મે ભોગો મે જાઉંગા, ના મે કશાયો મે જાઉંગા, ના મે ધન વૈભવ વિકાર કિસી મે નહીં જાઉંગા પ્રભુ, મે તો અપની આત્મા મે.
ये ज्ञानी कह रहा है, क्योंकि उतना ही उसका ज्ञान है जितना वो कषायों से निवर्तन। और देखो, कषायों से दूर हटना और आत्मा में जमना, ये दोनों परस्पर। अगर आप आत्मा में नहीं आए, बहुत सारे लोग कहते हैं मैं क्या कसाई कर रहा हूँ, बड़ा सिर आत्मा में हो तो कसाई में, तो तुम कसाई को गुस्सा ही क्यों समझते हो? आत्मा का कस काटे वो कसाई होता है। क्रोध कस काट रहा है, लोभ कस काट रहा है, मान कस काट रहा है, भोग कस काट रहा है, ये सब तो आत्मा का कस काट रहा है, वो सब कसाई है। लेकिन हम सबके दिमाग में क्या होती है, कसाई मतलब ज्वालामुखी। आत्मनिवृत्त है क्या लाइन? आत्मनिवृत्त है तेने का आत्मा ने, हाँ, ये ज्ञान छेद नहीं आगे। अही कोई प्रश्न करे छे कि अविरत सम्यक दृष्टि ने मिथ्यात्व ने अनंतानुबंधी प्रकृतियों आश्रय तो नहीं थतो, पण अन्य प्रकृतियों आश्रय थई ने बंद थाय छे, तेने ज्ञानी कहो के ज्ञानी? आ बहु बेसिक प्रश्न छे, चौथा गुण स्थान वाला, सबसे सबसे विचित्र कॉम्प्लिकेटेड केस। समझ में आया? मुनिराज का केस सिंपल, मिथ्यादृष्टि का केस सिंपल। मुनिराज का इतना सिंपल है कि उनके विषय दिखते नहीं, और मिथ्यादृष्टि का इसलिए सिंपल है क्योंकि उसे आत्मा दिखता नहीं। ये दोनों, एक बिगड़े में सिंपल और एक सुधरे में सिंपल, ये चौथे का बड़ा गजब मामला है। क्यों? क्योंकि एक तरफ विषयों से विरक्त हुआ नहीं, एक तरफ आत्मा में हमेशा के लिए जमा नहीं। इसीलिए तो बनारसी दास जी कहते हैं आत्म गवेशी है, गृहस्थ है ना जति। चौथे गुणस्थान वाले को तुम क्या बोलोगे? बोले कि जब हम उनकी अंदर की परिणति देखते हैं तो मुनि के जैसी दिखाई देती है, और बाहर की परिणति देखे हैं तो एकदम विषय में ग्रस्त की भांति दिखाई देते, तो हैं कौन? बोले भाई वो तो आत्मा के खोजक हैं, ना वो ग्रस्त हैं और ना वो आत्म गवेशी हैं, ग्रस्त हैं ना जति। दास भगवंत के उदास रहे जगत सो, सुखिया सदैव ऐसे जीव समकिति। क्या कहते हैं सम्यक समाधान? क्या कहते ज्ञानी के अज्ञानी तो समाधान? सम्यक दृष्टि जीव ज्ञानी छे, जकार अर्थ में कारण कि ते अभिप्राय पूर्वक आश्रवों थी निवर्त्यो छे। अभिप्राय मा एने नक्की थई गयो के जे आश्रवादी छे एमा ज्ञान नो अंश नहीं। अभिप्राय मा भी बराबर, हा, तेने प्रकृतियों जे आश्रय तथा बंध थाय छे ते अभिप्राय पूर्वक नथी। समझे कि नहीं समझे? जैसे अपने पहले के समय में एक परंपरा थी कि कभी किसी कन्या हो ना बच्ची, उसका किसी के साथ में क्या हो जाए, नक्की हो जाए, बराबर नक्की हो जाए, और दुर्भाग्यवश वो क्या कहते हैं वो मरण हो जाए या कुछ हो जाए, तो ऐसा तक सुनने में आता था कि वो दूसरे से विवाह ही नहीं करती थी। ज्यादा दूर क्यों जाओ, अपने मोदी जी की यशोदा बहन देख लो ना, ये परंपरा बता रहा है, बाकी कोई उस अर्थ में नहीं बता रहा है, लेकिन ये भारतीय परंपरा थी। उनने जो किया उस समय वो उस समय की किसके अधीन था? परंपरा के अधीन थी, कि भारतीय ऐसी परंपरा थी कि जो स्त्री एक बार अभिप्राय में किसी को अपना पति स्वीकार कर ले, बराबर, फिर वो छोड़कर अन्य को स्वीकारती नहीं थी। अगर कर्म की कठिनाई के कारण उसका वियोग हो जाए तो पूरा जीवन संयम से बिताती। मतलब ये कोई जैन नहीं थी, लेकिन एक ये परंपरा थी, भारतीय परंपरा, ये एक इस भूमि का ये प्रताप था। आज की दशा और परिस्थिति में मैं कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता। समझे कि नहीं समझे? हाँ हाँ, ऐसे ही यहाँ ज्ञानी वो सती परंपरा का है। ज्ञानी कौन सी परंपरा का है? सती, जिसने एक बार अभिप्राय पूर्वक आत्मा को अपना मान लिया, वो बुद्धि पूर्वक आश्रमों से निवर्तन हो गया,
अब कर्म के उदय के कारण कुछ अगर बाहर में प्रवर्तन दिख रहा है तो उसका उसमें अपनत्व नहीं। समझ में आया? सम्यक दृष्टि थया पछी परद्रव्य नो स्वामित्व नो अभाव छे, माटे ज्यां सुधी तेने चरित्र मोह छे त्यां सुधी ते उदय अनुसार आश्रव बंद थाय छे, निषेध नथी, पण तेनु स्वामीपणु एने नथी। अभिप्राय में तो केवो थई गयो ए, आश्रव बंद थी सर्वता निवृत्त थई गई। बिल्कुल वैसे ही जैसे वो अपन ने दृष्टांत पढ़ा था, कौन सा? जैसे कोई जन गयो धोबी के, दूसरे का कपड़ा पहन के आ जाए, फिर कोई बोले कि ये मेरा है, तो तुरंत उतरेगा नहीं, घर पे तो पहुंचे का ही चेंज होगा, लेकिन जितने टाइम वो पहने रहेगा उतने टाइम क्या लगेगा, ये मेरा नहीं, ऐसा ज्ञान ही होता है। बराबर, कल चैतन्य धाम शिविर में जाना मेरा हो रहा है, कल परसों और नरसों।